खबर राजधानी देहरादून के डोईवाला से है, जहां के लच्छीवाला वन विश्राम ग्रह में शिवालिक वृत्त वन आरक्षी संघ और शिवालिक वन बीट अधिकारी संघ के वार्षिक अधिवेशन का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों वन बीट अधिकारियों ने भाग लिया। बता दें कि यह अधिवेशन वन बीट अधिकारियों की लंबित मांगों को सरकार तक पहुंचाने और संघ की नई कार्यकारिणी के गठन किए जाने के उद्देश्य से किया गया, जिसमें वन बीट अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन गड़िया की अध्यक्षता में चुनाव प्रक्रिया भी संपन्न कराई गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, लेकिन पुलिस की भांति उन्हें भी साल में एक माह का अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए। साथ ही अन्य प्रदेशों की भांति एक स्टार लगाए जाने पर भी सरकार को विचार करना होगा, ताकि हमारे प्रदेश के सभी वन जवानों का हौसला बढ़ सके। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। नमस्कार, आज हमारा शिवालिक व्रत और देहरादून वन प्रभाग भागरथी वन प्रभाग का द्विवार्षिक अधिवेशन है, जो कि 2 साल कार्यकारिणी को पूर्ण हो चुके हैं, तो उस विषय में आज यहाँ पे एक अधिवेशन रखा गया है। वन विभाग में जो हमारे वनबीट अधिकारी है, जो हमारे वनबीट अधिकारियों की जो लंबित मांगे काफ़ी लंबे समय से चल रही है, जैसे कि हमारे HRA को लेके एक माह के अतिरिक्त वेतन, क्योंकि हम लोग भी पुलिस की भांति 24/7 ड्यूटी करते हैं, उस बेस में वनारक्षी भी ये मांग कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि हमें भी पुलिस की भांति एक माह का अतिरिक्त वेतन दिया जाए। और साथ ही हमारे जो हमारी एक डिमांड है, ये है कि जैसे और राज्यों में लगभग 4-5 राज्यों में वनारक्षी को 1 स्टार दिया जाता है, तो उसके लिए भी हम लोग अपना प्रस्ताव तैयार करके आगे को प्रेषित कर रहे हैं कि वन आरक्षियों को भी और राज्यों की भांति 1 स्टार इसमें लगाया जाए। मुद्दों को लेकर और साथ ही जो भी सर्किल के अंदर की जो भी दिक्कत समस्याएं जो आ रही हैं वन आरक्षियों के बीच में, या फिर मानव वन्य जीव संघर्ष से, या फिर ड्यूटी के दौरान जो भी हमें सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाला इस बार आप ही लोगों ने देखा ही है कि फायर सीजन में कितनी बड़ी एक अल्मोड़ा में घटना हुई थी, उसको लेके भी कि टाइम से हमें जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं या सुख सुविधाएं होते हैं टाइम से वनारक्षियों को मिले, ताकि हम लोग अपना 100% ये उत्तराखंड वन को हम अपने पूरे हमारे हिंदुस्तान में सबसे ऊंचा ऊपर रखने के लिए हम लोग जो भी अपनी तरफ से, तो हम अपना 100% दे रहे हैं।